Hello friends, welcome to Step Up IAS and we are going to start our news discussion and a very very sorry to all of you because काफ़ी समय के बाद हम यहाँ मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन यकीन मानिए सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ को कवर कर लिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा और हम ये भी देखें कि कौन सा न्यूज़ कहाँ पर सिलेबस में एसोसिएटेड है ताकि आपको नोट्स बनाने में परेशानी ना हो। साथ में आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी मिलेगा, तो प्लीज़ उसको आप लिख के चेक ज़रूर करेंगे कि आप आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं। और पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है जो लोग मेंस लिख रहे हैं, जैसा कि जब हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस किया था तो आपसे बताया गया था कि अगर आपका प्रीलिम्स पॉजिटिव होता है या नहीं भी होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि वो अब आगे क्या करें, तो उसके लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हेल्प हो पाएगी तो विल डू हेयर। एंड अब न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डोकलाम रीजन फिर से न्यूज़ में है बिकॉज भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जो ये रीज़न है ट्राइजंक्शन है, जो नए लोग हैं उनको बता दें कि डोकलाम एरिया जो है ये रीज़न एक ट्राइजंक्शन की तरह है, जहाँ पर चाइना का भी क्लेम है, इंडिया का भी क्लेम है और भूटान का भी क्लेम है। और ये जो एरिया है ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वजह से भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस रीज़न में, इस एरिया में किसी भी कंट्री को यूनिलैटरली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर बनाना या कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पर पीस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इस वजह से ये रीज़न फिर से न्यूज़ में आ गया है। और यहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है फ्रॉम द चाइना, इसलिए जो लोग फ्रेशर हैं उनको ज़रूर याद रखना है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से भी ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर है नाथुला, ठीक है। नाथुला जो है ला मतलब पास होता है, ये पास सिक्किम में है और ये एकमात्र रास्ता है जहाँ से हम अपने आप को अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ पाते हैं, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया को जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है वहाँ से जोड़ पाते हैं। इसलिए इसको चिकन नेक भी कहा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है ये रीज़न हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के प्रस्पेक्टिव से। तो इस लोकेशन को आप अपने मैप में ज़रूर जा करके देखेंगे, जो भी एटलस आप फॉलो करते हैं उसमें ज़रूर इस लोकेशन को देखिए, यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं और जो कंट्री है उसके साथ बॉर्डर कैसे टच हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, G20 से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। G20 एग्रीज टू टैकल ओशन प्लास्टिक वेस्ट। देखिए अब जो ये आपका न्यूज़ है वो दो जगह पर इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो एनवायरमेंट के प्रस्पेक्टिव से, जनरल स्टडीज पेपर 3 अगर आपको याद है तो एनवायरमेंट से आप एसोसिएट करेंगे, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा, G20 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IR का, GS पेपर 2 में मेंशन्ड है IR, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग्स हैं उसमें आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं G20 को। तो अभी रिसेंट एक दो दिन के मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जापान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ आना चाहिए और एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, सो दैट वो मरीन प्लास्टिक वेस्ट को टैकल कर सकें, बेहतर तरीके से बायोडिग्रेड किया जा सके और ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल स्केल पर इस प्रॉब्लम को कर्व करने की कोशिश की जा सके, ऐसा अर्ज किया गया है जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द न्यू फ्रेमवर्क इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग फर्दर कंक्रीट एक्शन ऑन मैरीन वेस्ट। जो मैरीन वेस्ट है उसको कैसे ख़त्म करना है वॉलंटरी बेसिस पे, कोई ऐसा बाइंडिंग चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए पहले भी बात हो चुकी है। जब G20 हमबर्ग समिट हुआ था जर्मनी में तो वहाँ पर एक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट भी किया गया था, दैट वाज नोन एज G20 एक्शन प्लान ऑन मैरीन लिटर इन 2017। ये 2017 में हुआ था, वहाँ पर कैसे मरीन वेस्ट को ख़त्म करना है और उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान भी बनाया गया था, वॉलंटरी बेसिस पर चीज़ों को करने की कोशिश की गई थी। और अब यहाँ फिर से जो G20 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर किया जा सके इन पोल्यूशन को कर्व करने के लिए। और यहाँ पर लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाने की बात की गई है, मतलब सस्टेनेबल यूज़ हो, सस्टेनेबल अप्रोच हो, जिसमें कि टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस प्लास्टिक लिटर डिस्चार्ज टू द ओशन थ्रू वेरियस मेजर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। जाहिर सी बात है अगर आपको ग्लोबल लेवल पर यह काम करना है तो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस की आवश्यकता है, और एक इसका जो एक अप्रोच होगा वो
भी आपस में कोऑपरेट करेंगे जिससे कि जो इनोवेशंस हैं या साइंटिफिक मॉनिटरिंग है इन सभी को एक्सचेंज किया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है इन्फॉर्मेशंस को. अब यहाँ पे हम बेसिक ध्यान लेते हैं G20 समिट के बारे में. देखिए 2019 में जो समिट होने वाला है रिसेंटली ओसाका में होने वाला है 28 से 29 जून तक, याद रखिएगा, यानी कमिंग इसी मंथ में हो रहा है ये 28 से 29 जून, और ये हो रहा है ओसाका जापान मिट को होस्ट करने के लिए. जापान को पहली बार मौका मिला है 2019 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है G20 का कोऑपरेशन, और यहाँ पे होने वाले जो भी स्टेप्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं. ये सारी कंट्री है, मेंबर कंट्रीज के बारे में ज़रूर याद रखें आप. इसमें इंडिया भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा, शायद समझ में भी आ गया होगा, बट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसमें हम इस सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या इसके लूप होल्स हैं और किस चीज़ पर बहुत बवाल मचा हुआ है. तो आइए बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं. पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि कौन सी कमिटी के अंतर्गत इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया था. नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमिटी. ठीक है, कस्तूरी रंजन कमिटी इसलिए बोला गया बिकॉज इनके जो चेयरमैन थे इस कमिटी के उनका नाम डॉक्टर कस्तूरी रंजन है, जिन्होंने कि पूरा ये पॉलिसी तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया है और गवर्नमेंट के पास भेजा गया इसके अप्रूवल के लिए. द एक्सटेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992. तो देखिए ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी पर, इससे पहले 1986 में ऐसा ड्राफ्ट लाया गया था, उसके बाद 92 में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया और अब आपके सामने ये नया ड्राफ्ट आ रहा है, एजुकेशन पॉलिसी आ रही है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले मेंस और प्रिलिम्स, और अगर इस बार के मेंस में नहीं आया तो अगली बार के मेंस में आने की पूरी संभावना. सो अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज डिजाइंड टू मीट चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इनोवेशन एंड रिसर्च. देखिए इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपको स्टार्ट करना हो अपने आंसर को तो आप इसके इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप इनके कमिटी के नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं और किन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. तो सबसे पहले ये पॉलिसी जो कवर कर रहा है वो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस है, और साथ में एग्रीकल्चरल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है. पहले के टाइम पर सिर्फ इन चार चीज़ों पर ही फोकस होता था या इन तीन चीज़ों पर फोकस होता था, अब इसको थोड़ा और वाइड किया गया है. नाउ नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि टीचर के एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया है, हालांकि उसके भी कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि टीचर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, टीचर एजुकेशन और रिसर्च इनोवेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, इस ड्राफ्ट में इसका ध्यान रखा गया है. जो समझने और याद रखने वाली बात है इस फीचर में वो ये है कि यहाँ पर अर्ली चाइल्ड केयर को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड एजुकेशन, मतलब अब बच्चे जो पढ़ेंगे वो बहुत कम उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब अभी हम आगे बात करेंगे 3 ईयर्स से ही उनका एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये सारी जिम्मेदारी जो पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास होगी. अब ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इस ड्राफ्ट ने नया नाम पेश किया है HRD मिनिस्ट्री का, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया जाए, ऐसा कहा गया है. ठीक है, तो मिनिस्ट्री वाला पॉइंट आपका क्लियर हो. इसमें करिकुलम को भी ऐड किया गया है, और द पॉलिसी कॉल्स फॉर एन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, जो कि इंटीग्रल पार्ट होगा स्कूल एजुकेशन का, इसमें प्रपोज किया गया है. अगला इसका जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम कंसिस्ट होगा. यहाँ पर एक नया नाम दिया गया जिसको कि आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेज. जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेज आता है, उस समय में किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, किस तरीके से उनको एजुकेट करना है, उन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है. सो इट कंसिस्ट ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, ये होगा जब आप फाउंडेशन तैयार करते हैं 3 से 8 साल की उम्र में उनका फाउंडेशन तैयार किया जाएगा. फिर है प्रिपेरेटरी स्टेज जो कि 8 से 11 साल तक होगा, फिर मिडिल स्टेज जो कि 11 से 14 साल तक है, और फिर सेकेंडरी स्टेज जो कि 14 से 18 ईयर्स तक
रखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए उनको एजुकेट करने का प्लान प्रपोज किया गया है। अब अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट की, तो इसको भी इस कमिटी ने एक्सटेंड करने की बात कही है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसमें बच्चों को जो राइट्स दिए गए हैं वो 6 to 14 ईयर्स तक दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर इसमें 3 to 18 ईयर का कवरेज डिमांड किया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में बदल करके उसको एक्सटेंड करके 3 to 18 ईयर कर देना चाहिए। टीचर एजुकेशन की भी बात की गई, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लिए प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड ऑल टीचर प्रिपरेशन एजुकेशन प्रोग्राम इनटू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। जो टीचर पढ़ाएंगे उनके पास मिनिमम बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तब, ताकि वो आगे जो एजुकेशन डिलीवरी है वो अच्छे से कर सके। अगला पॉइंट्स में बोला जा रहा है हायर एजुकेशन के बारे में, इन्होंने क्या प्रपोज किया है हायर एजुकेशन में। तो ध्यान दीजिए कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद 3 types ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पर 3 types की बात की गई है और ये तीनों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहा गया है वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड हाई क्वालिटी टीचिंग। ठीक है, देखिए ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेगा तो आप अपने कंक्लूजन में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि कैसे जो ड्राफ्ट आई थी या एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई हैं उसमें किस तरीके से थोड़ा एडवांसमेंट करने की कोशिश की गई है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं। टाइप टू है इसका हाई क्वालिटी टीचिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी के समय में आप कई सारे वीडियोज़ भी देखते हैं, यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ आप देखते रहते हैं कि जो टीचर्स की हालत है स्कूलों में, खास करके जो गांव में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या मिडिल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर बहुत बुरी हालत है टीचर्स की। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको जॉब कैसे मिलती है, ये बहुत ही क्लियर कट नहीं होता, और उनका जो बेसिक फाउंडेशन होता है उनका भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और वो इसके बाद आगे की जो डिलीवरी है वो ढंग से नहीं कर पाते। तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्कूल जाने का, रैदर देन मिड डे मील। वो वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं इसलिए वो वहाँ जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है इस पॉलिसी में वो टीचर की ट्रेनिंग पर दिया जा रहा है और उनकी क्वालिटी पर दिया जा रहा है। तीसरा टाइप इसमें बताया गया कि हायर एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो हाई क्वालिटी टीचिंग होनी चाहिए और अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसमें प्रॉपर फोकस होना चाहिए। इसके लिए जो आपको पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने 2 missions प्रपोज किया है। पहला मिशन है मिशन नालंदा और दूसरा है मिशन तक्षशिला। ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे, मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला। एंड देयर विल बी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज बीएससी, बीए, बीकॉम, बी वोकेशनल एंड मतलब बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड 3 or 4 year ड्यूरेशन हैविंग मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस। तो ये अलग तरीके का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रपोज किया गया इस ड्राफ्ट पॉलिसी में। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, एक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। यहाँ पर 2 institutions का नाम लिया गया है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको प्रपोज किया गया है नई बॉडी की तरह, एंड दिस इज टू इनेबल द होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस। तो जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी एजुकेशन बेस्ड, जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के माध्यम से लिया जाएगा, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सेंटर और स्टेट दोनों का होगा। ठीक है, तो चलिए आपको पहले ये बताना है, अभी वैसे तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे, क्या आप पता है कि एजुकेशन सिलेबस में कहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली, और दूसरा जो आप करंट लिस्ट है उसमें एजुकेशन कहाँ पर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, सेंटर में आता है या फिर कंकरेंट में आता है? ये दोनों सवाल फटाफट सोचिए, अभी मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। दूसरा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बोला गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक एपेक्स बॉडी की तरह होगी विच इज प्रपोज फॉर क्रिएटिंग स्ट्रांग रिसर्च कल्चर। देखिए यहाँ पर एजुकेशनल जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो शिक्षा आयोग के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन रिसर्च बेस्ड कोई भी हायर एजुकेशन में चीज़ें होंगी तो वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ही उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। और इसमें 4 functions की भी बात की गई है, स्टैंडर्ड सेटिंग, फंडिंग, एक्रेडिएशन एंड रेगुलेशन। इन 4 points को यहाँ पर नोट किया गया है जिसमें कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा काम किया जाएगा और इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की बात भी कही गई है। प्रपोजेस टू इंक्रीज द क्लास ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अप टू ग्रेड 12
एंड एज 18 कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है 18 साल की उम्र तक एंड द राइट टू एजुकेशन ऑफ फ्री कंपलसरी एक्ट जो अभी हमने बात किया आरटी एक्ट 2019 इसको एक्सटेंड किया जाए जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत भी आता है मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 बेसिक फैक्ट है इसको आपको याद रखना है कि इसमें आरटी एक्ट 2009 जो है उसमें क्या कहा गया है और राइट टू एजुकेशन जो है वो आपके आर्टिकल 21A में भी है तो ये भी आप याद रखिएगा फंडामेंटल राइट है ये आपका द पॉलिसी एम्स टू अचीव अ फुल्ली लिटरेट सोसाइटी 2030 में क्या है SDGs के 17 गोल हैं जो हमें पूरे करने हैं और उसमें एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा गोल है और हमारा ये प्लान है कि ऑल अडल्ट्स आर लिटरेट्स चाहिए 2030 तक ठीक है आइए लैंग्वेज पर बात करते हैं यहाँ पर 3 न्यू लैंग्वेजेस को प्रपोज किया गया है 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाने चाहिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स को बनाया जाना चाहिए वो होगा इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृत इन तीनों को प्रपोज किया गया है हालांकि इसको इम्प्लीमेंट कितना किया जाएगा ये तो अभी गवर्नमेंट का जब प्रपोजल आ जाएगा गैजेट आ जाएगा तभी पता चलेगा लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि क्या प्रपोज किया गया था IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इसको भी रिकमेंड किया गया है कि एक IITI बनाया जाना चाहिए ठीक है ये IIIT या फिर IIT की बात नहीं हो रही है IITI की बात हो रही है ठीक है याद रखिए अब मेन फैक्ट यहाँ पर है 3 लैंग्वेज फार्मूला जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और बाद में इसको हटाना पड़ा इवन जो कस्तूरी रंजन साहब थे उन्होंने ही इसको कैंसिल कर दिया लेकिन जितने भी अभी आप एडिटोरियल्स आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको लगातार क्रिटिसिज्म मिल रहा है इसका कि 3 लैंग्वेज फार्मूला कितना गलत था क्यों प्रपोज किया गया था ये सारी बातें तो यहाँ पर हम एक नया एंगल देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज फार्मूला लाया गया था वो क्यों लाया गया था और इसका क्या पहली बार ऐसा कोई प्रपोज किया गया है या पहले भी इसकी बात हुई थी हिस्ट्री में इसमें क्या था पहले ये समझ लीजिए कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया था उसमें हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो होंगे यानी कि जो नदन स्टेट हैं भारत में MP, UP, बिहार ये सारे जो स्टेट हैं उनको एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश मतलब आपको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए एक कोई मॉडर्न लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ठीक है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट होंगे स्पेशली साउथ इंडिया आपका ठीक है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला उन राज्यों में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हैं वहाँ पर उनको एक उनका तो रीजनल लैंग्वेज होगा इंग्लिश उनको पता होती है या उनको सीखना है और तीसरा उनको हिंदी कंपलसरी तौर पर जानना पड़ेगा सीखना पड़ेगा ये मुद्दा था अब इस पर कॉन्ट्रोवर्सी क्या हुई इस पर हम बात कर लेते हैं हालांकि इसको रिमूव कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इवन गवर्नमेंट के पास पहुंचने से पहले ही इसको रिमूव कर दिया गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें उठने लग गई लेकिन अगर हम इसका बैकग्राउंड देखना चाहें तो इसके पीछे जो इंटेंशन था वो ज़रूर जान लीजिएगा देखिए एग्जाम में अगर आया मेंस में आया तो हो सकता है कुछ इसको उठा दिया जाए मुद्दे को ये जो इसके पीछे इंटेंशन था वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करना था बिटवीन लैंग्वेजेस इसको गलत समझ लिया गया लेकिन जो साउदर्न स्टेट हैं और जो नदर्न स्टेट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उनको एक कोई कॉमन लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा या फिर उनको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी जहाँ पर आप एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाएं तो इसलिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये लाइन ज़रूर याद रखेगा बिटवीन द लैंग्वेजेस इसलिए इसको प्रपोज किया गया था ये इंटेंशन था जो कमिटी है उनका इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो कोठारी कमीशन जो कमिटी बनाई गई थी 1964 में याद रखिएगा कोठारी कमीशन 1964 में उन्होंने भी इस सेम चीज़ को प्रपोज किया था कि जो स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया से होते हैं उनको एक साउथ का लैंग्वेज सीखना चाहिए और जो स्टूडेंट साउदर्न स्टेट के होते हैं उनको एक नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज सीखना चाहिए ताकि आपस में जो हार्मनी है जो रिलेशनशिप है वो बना रहे तो ये पॉजिटिव फैक्ट्स हमने देखा रैदर देन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हो गई है आपको नेगेटिव पॉइंट्स तो कई सारे मिल रहे हैं लेकिन आपको पॉजिटिव पॉइंट्स इसका याद रखना ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं अब क्या इशू है क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम है इस ड्राफ्ट में तो वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक है वो है कि एज को काफ़ी कम किया जा रहा है मतलब 3 ईयर प्रपोज कर दिया गया 6 से 3 ईयर कर दिया गया जबकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो एज होता है मिनिमम एजुकेशन को स्टार्ट करने का वो 6 ईयर होता है ठीक है
इसके अलावा अगर हम डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड जो डेवलप्ड कंट्री आप मानते हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, तो वहाँ पर जो कंपलसरी एजुकेशन स्टार्ट किया जाता है वो एज ऑफ 7 से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये इसका लूप होल है कि आप शुरू से मतलब 3 साल से बच्चे को भेज दो स्कूल में कि वो उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हो ही ना पाए, वो कुछ सीख ही ना पाए और वो जितना स्कूल में जाके सीखे बस उसको उतना ही समझ में आए। तो ये इसका एक मतलब क्रिटिसिज्म है, आप इसको अगर आपको लगता हो कि हाँ क्रिटिसिज्म है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स है, जैसे कि देयर नीड्स टू बी अ डिस्कशन ऑन वेदर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल शुड बी डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग। जो लिटरेसी बढ़ाने की बात चलती है या न्यूमेरिकल स्किल्स को बढ़ाने की बात चलती है बच्चों में, उस पर फोकस किया जाना चाहिए था थोड़ा। नो मेंशन ऑफ हाउ स्टेट रेगुलेटरी बॉडी विल वर्क, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने की बात हो रही है उसका रेगुलेशन कैसे होगा उस पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर कम दिया गया है, तो ये भी एक मुद्दा होगा आपके लिए। इसमें और पॉइंट बताए जा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी आवश्यकता है किस चीज़ पर, कंपलसरी स्कूलिंग सिस्टम को हटाने पर कंट्री में। देखिए अभी बहुत नए नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो होम स्कूलिंग की बात चलती है कहीं कहीं पर और बहुत जगह पर इसको प्रपोज भी किया गया है कि बच्चे को घर में ही पढ़ाया जाए। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक रीजनिंग दिए जाते हैं और वो सिर्फ एग्ज़ाम दे करके या उनका ऐसा कोई बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम रखा जाए और वो उसको पास करें, तो इसलिए। लेकिन इंडिया में अभी जो कंपलसरी स्कूलिंग का सिस्टम है उसको भी बदलने की आवश्यकता है, उसके लिमिट को भी बदलने की आवश्यकता है, ऐसा इसका एक पॉइंट हो सकता है, जबकि जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मेंशनड है। एंड देर इज़ नॉट एनफ कैपेसिटी इन द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे टीचर्स की जब हमने बात की उनके एजुकेशन की, तो बीएड पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है रैदर देन उनके मास्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है। एमएड के को बहुत कम इम्पोर्टेंस मिला है, लेस इंपॉर्टेंस मिला है, तो ये एक फैक्ट आपके पास होगा। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपसे मैंने सवाल पूछा था कहाँ पर आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। और इसमें क्या बात की गई है कि राज्य और सेंटर दोनों मिलकर के काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन आपने अदर स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने को नहीं फोर्स किया है, जबकि यहाँ पर जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, ये एक पॉइंट आपके पास होगा। दूसरा सवाल आपको पूछा गया था कि एजुकेशन कहाँ पर मेंशन्ड है सिलेबस में, तो जीएस पेपर 2 में एग्जैक्टली मेंशन्ड है सोशल जस्टिस में। याद रखिएगा सोशल जस्टिस में एजुकेशन लिखा हुआ है और इसीलिए आप इतना बड़ा इशू पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि नटाल और प्री नटाल स्टडीज शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। जो एजुकेशनल सिस्टम बनाया जा रहा है, जो पॉलिसीज बदली जा रही हैं, उसमें नटाल और प्री नटाल स्टडीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है या मदर मोर्टैलिटी रेट है उसको कैसे कम किया जाए, जो इन्फेंट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की जो समस्या रहती है उन सभी चीज़ों को कर्व किया जाए और इन हर एस्पेक्ट्स को समझा जाए, क्योंकि बच्चे पर हर चीज़ का फर्क पड़ता है और मानसिक विकास जब तक उनका नहीं होगा, जब तक वो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो वो आगे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छे भविष्य के लिए छोटे बच्चों का, इन्फेंट्स का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, उसको इसमें शामिल करने की बात नहीं की गई है। देयर शुड बी अ कोर्स ऑफ मास्टर ऑफ टीचर्स एजुकेशन। मैंने आपको बताया कि टीचर एजुकेशन पर मास्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप इसको क्रिटिसिज्म में मत डालिए, आप अपने पॉइंट्स में डालिए कि हाँ कंक्लूजन शुड बी लाइक दिस। में कोई एक दो पॉइंट आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी शुड मेंटेन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री एंड द स्टडी ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज। जो मैंने आपको बोला था कि लाइन जरूर याद रखेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, लाइन है, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन का इंट्रोड्यूस किया गया है महाराष्ट्र में, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। हम इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, क्या लीगल नॉर्म्स हैं, क्यों किसान ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस से जोड़ दीजिए इसको, कहाँ पर आएगा, जनरल स्टडीज पेपर 3 कहाँ पर होगा, ये कौन से सेक्शन में होगा, एनवायरनमेंट में होगा या टेक्नोलॉजी में होगा, कहाँ पर होगा ये। आप इसको एक तो एनवायरनमेंट में भी एसोसिएट करेंगे बिकॉज इसका जो इशू है इसको सबसे ज़्यादा अपोज एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जा रहा है, या जो एनवायरनमेंट लिस्ट होते हैं उनके द्वारा इसका अपोज किया जा रहा है। और दूसरा ये आपके साइंस टेक्नोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी वाला मुद्दा है, जो टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ से एसोसिएट हो जाएगा। तो प्लीज़ कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं उसको अपने सिलेबस से ज़रूर जोड़िए। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में या हरियाणा में
ये जो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल को इलीगली उगाया जा रहा है, और बीटी कॉटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें प्रॉब्लम है, और इस वजह से ये पूरा मुद्दा न्यूज़ में आ गया। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। एंड द गैदरिंग वॉज एम्ड एट डिमांडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। तो इस बीटी कॉटन और ब्रिंजल को प्रपोज करने की डिमांड चल रही है फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि इसमें जो कीड़े हैं वो नहीं लगते और प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है इस बीटी कॉटन को प्रोड्यूस करने में और ब्रिंजल को प्रोड्यूस करने में। लेकिन इसको एनवायरमेंटलिस्ट बिल्कुल गलत बता रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें बायो हजार्ड्स हो सकते हैं जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि भारत में कौन सी एजेंसी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएम सीड्स को रेगुलेट करती है, इंट्रोड्यूस करती है अप्रूवल के लिए, वो है जीईएसी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये बॉडी आती है। क्या नाम है याद कर लीजिए अभी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो इन्होंने बीटी कॉटन को अभी तक परमिशन दे दिया था कॉमर्शियल रिलीज के लिए, लेकिन अभी भी ब्रिंजल और मस्टर्ड को रोका गया है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले हैं मस्टर्ड और ब्रिंजल को, इसलिए इसको अभी रोका गया है, बिकॉज एज सच किसी को नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं ये बहुत श्योर नहीं है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो मानते हैं कि हाँ इसका इम्पैक्ट खराब हो सकता है, इसलिए वो इसको इंट्रोड्यूस नहीं होने दे रहे हैं। अब मेन साइंटिफिक पॉइंट पर हम आते हैं कि क्यों इसको मना किया जा रहा है या फार्मर्स क्यों इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन द कॉटन द फर्स्ट टू जनरेशन बीटी हैव बीन इंट्रोड्यूस, देखिए पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था क्राई 1AB, आप इसको याद रखेंगे, दूसरा था क्राई 2BC। ये पूछा सकता है कि ये न्यूज में था, ये क्या है, सिर्फ इतना सा पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि बीटी कॉटन की ये वैरायटी थी जिसको पहले जनरेशन में उगाया गया था, एंड जीन्स फ्रॉम द सॉयल बैक्टीरियम, और ये जो मॉडिफिकेशन था सीड्स में उसने जो पिंक वॉलवॉर्म होते हैं उससे बचाया उसने क्रॉप को, जो कॉटन क्रॉप्स होते हैं उनको। थर्ड जनरेशन वैरायटी सॉ द एडिशन, तो थर्ड जनरेशन में जो चीज़ें आई उसका नाम रखा गया CP4EPSPS जीन, याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा ये क्या है। तो ये सॉयल बैक्टीरियम है जहाँ से इस जीन को निकाला गया है और फिर एडवांसमेंट किया गया है। एंड द फार्मर आर नॉट एबल टू स्प्रे ग्लाइफोसेट ऑन नॉर्मल कॉटन, जो ग्लाइफोसेट है, आपसे पूछा जाएगा ग्लाइफोसेट क्या होता है, ग्लाइफोसेट एक तरीके का केमिकल है जिसको कि प्लांट वगैरह पे दिया जाता है, तो जो नॉर्मल कॉटन होते हैं उस पर ग्लाइफोसेट को नहीं छिड़का जा सकता, बिकॉज ऑफ द केमिकल डोज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द क्रॉप एंड वीट। क्या होता है जब आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हो तो वीट्स भी खत्म हो जाते हैं और क्रॉप्स भी खत्म हो जाते हैं साथ में, जबकि जो फार्मर है उनका उद्देश्य क्या है कि जो खराब चीज़ें हैं, जो वीड्स हैं, सिर्फ वो खत्म हो जाए जबकि क्रॉप बचा रहे। और यही प्रॉब्लम हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी में नहीं आ रही है। जो HTBT कॉटन है, ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई HTBT कॉटन में ऐसा क्या है, फार्मर क्यों उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये जो HTBT कॉटन है ये अनअफेक्टेड होता है ग्लाइफोसेट से, और ग्लाइफोसेट एक तरीके का केमिकल है, ठीक है। तो अब इसलिए बहुत बड़ी ये सोचने वाली बात भी, हालांकि पॉजिटिव फार्मर्स के लिए तो है कि उनकी जो फसल है वो बर्बाद नहीं होगी, लेकिन अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव या हेल्थ के इश्यूज से सोचें तो इसको थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि अगर उस कॉटन पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हो सकता है किसी और जानवर पर या किसी इंसेक्ट पर या ह्यूमन बीइंग पर या एनवायरनमेंट पर। तो इस वजह से पूरा मुद्दा चला हुआ है। अब इसमें रेगुलेटरी एक्ट पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कौन से एक्ट है जिससे कि लोगों को डराया जा सकता है या अभी नोटिस वोटिस दिया गया है। देखिए इसको HTBT को इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली महाराष्ट्र में, मतलब वहाँ के जो फार्मर हैं उन्होंने अपने आप से ही इसको ग्रो करने की कोशिश की। अब इसको अप्रूव अभी तक नहीं किया गया है गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्मगल्ड सीड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मॉन्सनेटो जो कंपनी है तरह बेचती है उसने भी पूरा केस चलाया था, बाद में केस वापस ले लिया था इसी सीड्स को बेचने के लिए, लेकिन अभी भी स्मगलिंग करके ये सीड्स फार्मर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं और फार्मर्स इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑफ द कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर महाराष्ट्र एज मच एज 15% ऑफ 14 लाख हेक्टेयर ऑफ द स्टेट हैड कम अंडर दिस अनअप्रूव्ड हाइब्रिड। आप समझ रहे हैं कि मतलब 15% एरिया तक को कवर कर लिया है इस
स्मगल्ड सीड्स ने, जिसको कि अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, इसके लिए कौन सा ऐसा लीगल नॉर्म होगा जिसको कि गवर्नमेंट उठा सकती है? वो नॉर्म होगा लोगों को जेल हो सकता है, ठीक है, इसमें जो फार्मर्स हैं उनको जेल में डाला जा सकता है 5 साल के लिए, साथ में उनको फाइन देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। किस एक्ट के तहत? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के तहत, एंड एक्शन बी इनिशिएटेड अंडर द एक्ट सीड एक्ट 1966 एंड द कॉटन एक्ट 1957। ये दोनों बात याद रखिएगा, पहला तो कि क्या पनिशमेंट है इसमें, 5 साल तक की जेल हो जाएगी, 1 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा, और दूसरा इसमें सीड एक्ट और कॉटन एक्ट प्लस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के तहत सजा दी जा सकती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। एन अप्रोप्रिएट एक्शन मे बी टेकन टू स्टॉप एनी इलीगल जीएम कल्टिवेशन अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सेल 1989, बहुत बड़ा है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा। इसके तहत भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कल्टिवेशन हैं उसको काउंटर किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, तो ये इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है। डिस्कस मेजर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। 150 वर्ड में आप ये आंसर लिखेंगे, कायदे से 7 मिनट में आपको लिखना है, लेकिन आप अपना टाइम जरूर नोट करेंगे आपने कितने मिनट में पूरा आंसर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज बहुत ज्यादा न्यूज में है, कहां पर है, क्या है, ये जान लीजिए। ईरान और यूएस के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। न्यूज में गल्फ ऑफ ओमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, गल्फ ऑफ ओमान का लोकेशन ये रहा। यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में, इसलिए ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है इस रीजन में, ये भी आपको याद रखना है। इस तरफ ये पर्शियन गल्फ है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पर्शियन गल्फ और इधर गल्फ ऑफ ओमान, और ये बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, और ये रहा ओमान जो बॉर्डर शेयर करता है यूएई और इस तरफ ईरान का लोकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं क्या है, तो न्यूज़ देख लेते हैं। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स जो हैं वो पास होते हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इसलिए ये जो लोकेशन है, ये जो रास्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टोटल 17.4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ये ट्रांसपोर्ट होता है इस एरिया में, और इसका अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत कम है, सिर्फ 50 किलोमीटर तक का ये स्ट्रेट है पूरा, या उससे भी कम है। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज ट्रांसपोर्ट रूट फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम कतर। कतर से एलएनजी भी एक्सपोर्ट होता है, इस वजह से भी ये जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कौन कौन से और कंट्री हैं जो ऑयल मार्केट प्लेयर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, इन सभी के लिए ये पूरा जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी ईरान और यूएस के बीच में टेंशंस बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ऑयल पर आएगा, ऑयल के प्राइस पर आएगा, और ऑयल क्राइसिस कहीं ना कहीं इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है ये फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो ये इसका एक एस्पेक्ट होगा मेन स्पेसिफिक से, आप इसको याद रखेंगे। बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से भी इसको जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्वेश्चन दिया गया है मेन्स के लिए, आप इसको ट्राई करेंगे। डू यू थिंक द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड ईरान में एग्रवेटेड द ऑयल क्राइसिस इन द वर्ल्ड? व्हाट ऑप्शन डज इंडिया हैज टू मैनेज दिस मिनैप? ये आप देखेंगे, 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, जीएसपी से जुड़ा हुआ न्यूज है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे कुछ लीगल नॉर्म्स को। देखिए ये तो यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा जो डेजिग्नेशन दिया गया था इंडिया को जीएसपी में, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में, उसको हटा लिया गया है, और इससे कुछ नुकसान हो सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट पर, ऐसा इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ लीगल नॉर्म्स को देखेंगे कि क्या लीगैलिटी है यूएस के इस एक्शन की। सो इट इज़ अ वाइड बिलीव, देखिए हम सभी को यही लग रहा होगा कि ये यूएस का प्रपोज सिस्टम है जो जीएसपी है, और ये यूनिलेटरली यूएस का ही कंसेंसस में हो सकता है सिर्फ कि हाँ इंडिया को इससे विदड्रॉ कर देना है, लेकिन ये बात गलत है बिल्कुल, क्योंकि WTO का जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है, याद रखिए WTO का जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है वो ग्रांट करता है कंसेंसस को बाय एनी WTO मेंबर टू अनदर, इज ओनली परमिटेड अंडर द स्पेसिफिक रूल,
ठीक है, तो ये जो जीएसपी है वो परमिट किया जाता है डब्ल्यूटीओ के इनेबलिंग क्लॉज के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप डब्ल्यूटीओ का नाम देखें तो आपको ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ यूएस का ही एक्शन है या फिर यूएस के द्वारा ही प्रपोज किया गया है जीएसपी को, इसमें डब्ल्यूटीओ के इनेबलिंग क्लॉज को भी शामिल किया गया है, और उसी के तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको ये प्रेफरेंसेस दिया जाता है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकें और अपनी कंट्री को आगे डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अब से जो भी वीडियो है वो रात के 8 बजे आया करेंगी, तो आप इसके लिए तैयार रहें, दिन भर अपना न्यूज़ पढ़ लें, न्यूज़पेपर को पढ़ लें, और फिर 8 o'clock इवनिंग में आपको वेट करना है इस न्यूज़ का। हम डेली मिलेंगे शाम को एक ही टाइम पर, क्योंकि जब वीडियो का टाइम फिक्स नहीं होता है तो आपके भी शेड्यूल में दिक्कत आ जाती है। तो 8 o'clock इवनिंग में ही अब वीडियो आया करेगा, मॉर्निंग में या दिन भर आप बाकी जगह से भी न्यूज़ पढ़ लें, जैसे भी आपको न्यूज़ कवर करना है कर लें, बट मेरा ये प्रॉमिस होगा कि जो न्यूज़ यहाँ पर आपको प्रपोज किया जाएगा दैट विल बी द बेस्ट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग।